अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बाप और बेटे पर हुआ जानलेवा हमला। हल्का असम्बली खुदबुल्लापुर गाजुला रामाराम चंद्रगिरी नगर एक्स रोड पर 2 दिन पहले रात में 12:30 बजे ये वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक उसी महले चंद्रगिरी नगर के रहने वाले एक नबी नामी शख्स ने अफरोज खान को कॉल करके शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। अफरोज ने मना करने से इस नबी ने अफरोज को फोन करके गाली गलौज करते हुए चंद्रगिरी नगर चौराहे पर बुलवा कर हाथापाई शुरू कर दी। इस बात की इतला मिलने पर अफरोज के वालिद फिरोज खान अपने बेटे को बचाने मौके पर पहुंचे। इस नबी ने फिरोज खान पर भी हथियारों से हमला कर दिया। इनका कहना है कि इन्होंने जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन में इस मामले का एक मुकदमा दर्ज करके भी 2 दिन हो रहा है, अभी तक पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। फिरोज खान ने इस नबी पर कई मुकदमे दर्ज होने की भी बात कही। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चंद्रगिरी नगर में रहता हूँ, फिरोज खान मेरा नाम है। गाजुला रामाराम खुदलापुर, गाजुला रामाराम खुदलापुर यह है। मैं 400 में गए थे रात में 12:30 बजे। मेरे ऊपर बच्चे को छुड़ाने गया था, मेरे ऊपर हादसा हुआ। मेरे को आजू बाजू वाले बोले तुम्हारे बच्चे को मार रहे, बोले तो मैं गया था, चलो क्या है क्या नहीं, छुड़ा के ले लेके आइए, बोले तो मेरे ऊपर लट लेके हमला कर दिया मेरे ऊपर। उसके बाद दूसरा मार यहाँ पे आँख पे मारा, तीसरा मार दांतों पे पंच पे मारा यहाँ पे। इससे पहले भी उसके 6-7 किसे से एक्शन ले ले रहे पुलिस वाले उसके जरिए। मैं ऑलरेडी MLC वो सब निकाल लूँ और 2 दिन हो रहा पुलिस वाले कुछ जवाब नहीं दे रहे उसका। खाली फ़ोन करे तो आते ही बोलते बोले, लेकिन आ रहे नहीं वो लोग। आगे खाली 1 घंटे में आ रहे, दूसरे दिन आ रहे बोले, लेकिन आ रहे नहीं पुलिस वाले। मेरे को यही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले भी 6-7 उसके केसा है, 5-10 बन के आ गया बाहर। ये बस्ती वालों से भी मालूम कर सकते आप, जैसे बस्ती वालों से पूरी इंक्वायरी ले सकते आप लोग। चंद्रगिरी नगर चौरस पे उन्हें कैसा है मालूम हो जाता, नबी नाम है उसका, पूरा जैसे मालूम कर लेके मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे को केस बुक होना, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ। मेरे को केस चाहिए, मेरे को केस ऑलरेडी मेरे को केस बुक होना है, उसको जेल को भिजाना मेरे को ज़रूरी है। और हमारे घर वाले जो बात करे उसको फ़ोन पर त्वरित से छिना, उनके खानदानी पेशा है, उनकी माँ भी जो सो हर बहुत लगे भाई बोल नहीं सकता, जो सो बहुत बुरे गालियाँ उनके माँ के, या लेडीज़ देखते नहीं या मर्द हुए देखते नहीं। और चंद्रगिरी नगर चौरस्ते पे कैमरे भी है ऑलरेडी, होना तो परसों गड़बड़ हुई, कैमरे भी बराबर आप चेक कर सकते हैं। परसों हमारे शराब और बच्चा हमारा फोन करा, पापा मेरे को ऐसा मार रहे हैं, तो हमारे शोहर को मार के आँखों पे मारे, मुंह पे मार के ऐसा करे, और मेरे बच्चे को बाहर निकले तो ऐसा मार के वो करे बाहर। मेरे बच्चे को जान को धोखा है, मेरे बच्चे को इंसाफ होना बाहर निकले करे, तो पुलिस वालों से गुजारिश है कि मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मेरे शोहर को ऐसा मारे, मेरे शोहर को ऐसा मारे, उठे नहीं आ रहा हूँ, कहा उठी नहीं आखी ऐसा करके नाक में से रात तमाम फोन किया। वजह क्या है लड़ाई होने की? वजह गालियाँ दिए, मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाए, बच्चे गालियाँ दिए उनकी अम्मी की, वो बोल के गालियाँ दिए तो हमारा बच्चा गया बीच में, कई को बोल रहे अम्मी को ऐसा बोल के बोले तो बच्चे को मारे, तलवारा थे उनके नजदीक, ऐसा ऐसा बच्चे को हमला क्या क्या करते थे नहीं मालूम। बच्चे के साथ मेरे शोहर को मारे, शोहर बुलाने करते मेरे शोहर को मारे। आप कंप्लेंट करें? हाँ कंप्लेंट कर दिए। कौन सा पुलिस स्टेशन में करें? जगदीप गुट्टा पुलिस स्टेशन। अच्छा, कितने दिन हुआ कंप्लेंट करके? 2 दिन हो रहा। अच्छा, पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं ले रहे, फोन कर रहे तो हाँ लेके जाते आ रहे 9 बजे बोले, अब तक भी 9 बुला रहे नहीं बच्चे को, वो नहीं कर रहे। अच्छा, 2-3 दिन से अभी तक कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मेरे बच्चे को इंसाफ होना, अच्छा, और मेरे बच्चे को बाहर निकले तो ये लोगों से जान का धोखा है, बहुत अच्छे लोग नहीं होते। अच्छा, चाहे तो आप बस्ती में पूछ लो आप लोग कैसे कैसे है क्या नहीं। अच्छा, अब केस तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, जैसा होना है वैसा, पर बाहर मेरा बच्चा निकला तो जान का धोखा है। अच्छा, कुछ भी हुआ करा तो मेरे बच्चे को उसके ऊपर ही शक है। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ तो। अच्छा, शुक्रिया। मैं चंद्रगिरी नगर में रहता हूँ, गाजुला रामाराम खुदबुल्लापुर। परसों मेरी लड़ाई हुई थी, बुल्ला आके मारे मेरे को, और क्या बोलते सो परसों BS में भी गुट्टे में भी जाके केस करे, पुलिस वाले एक्शन ले रहे, हमारे वालिद साहब आए थे। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अफरोज। हमारे वालिद साहब आए थे आके, हमारे वालिद साहब मेरे को छुड़ाने आए थे, टूको ने बोल के उनको भी पहले पंच से मारे, उसके बाद आखिर तो मार के फिर
लकड़ी लेके सर पे मारे, सर पे मारे, फिर जाके वो एमएलसी उसे निकाल के करे, पुलिस स्टेशन में दिए, पुलिस वाले एक्शन ले रहे। कितने दिन हुआ कंप्लेंट देके? दो दिन हुआ। कौन सा पुलिस स्टेशन है? गुट्टा पीएस। पूरा नाम? जगदीप गुट्टा पीएस। अच्छा, तो किसको किसको मारा लगे इसमें? मेरे को लगे हमारे अप्पा को मारे, आंखी पे मारे, और मेरे को भी मारे, गले पे पूरा खिकड़ दिए। अच्छा, और उनके पास हाथ में चाकू थी। अच्छा, हमारे भौने भी आए थे बीच में। अच्छा, वो पहचानते आप उनको जो मारे आप? हाँ पहचानते। क्या नाम है उनका? उनका नाम नबी है। कहाँ रहते हैं? चंद्रगिरी नगर में रहते। अच्छा, तो ये गुट्टा पीएस लिमिट्स में रहते? गुट्टा पीएस। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं अभी? कुछ भी नहीं, हमारे वालिद साहब को मारा और कुछ भी ना होना, पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे, बस मेरे को इंसाफ हो रहा। अच्छा, सब बता रहा देखो जिसमें अम्मा नहीं वैसा नहीं का मैंने अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।